नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल स्काई। कई बार सुबह उठते ही चेहरे और आंखों पर सूजन महसूस होने लगती है, जिससे हम घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर क्या किया जाए। इसके अलावा लोग ये भी विचार करने लगते हैं कि इसके पीछे कौन सी वजह है जिससे चेहरे पर सूजन आ गई हो। थोड़ी देर में इसके ठीक हो जाने पर लोग बेफिक्र हो जाते हैं और इसके पीछे की वजह जान नहीं पाते, जबकि ये जानना जरूरी है कि इस सूजन के क्या कारण हो सकते हैं। किसी को भी किसी भी मौसम में एलर्जी हो सकती है। इसका कारण बाहरी वातावरण में प्रदूषण, धूल मिट्टी के संपर्क में रहना, खाने से एलर्जी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आदि हो सकती है, जिससे आंखों में सूजन के साथ साथ चेहरे पर भी सूजन दिखाई देने लगती है। डॉक्टर से इसका इलाज करवा कर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सुबह चेहरे पर सूजन आने का कारण रात को खानपान में लापरवाही भी हो सकती है। खाने में ज्यादा चीनी और ज्यादा नमक भी इसकी वजह हो सकती है, जिससे शरीर में वाटर रिटेंशन की समस्या हो जाती है। शरीर के टिश्यू में इस कारण पानी जमा होने लगता है और इस वजह से चेहरे या फिर दूसरे अंगों में सूजन दिखाई देने लगती है। जो लोग कम पानी पीते हैं तो उनके टिश्यू भी पानी को रोक कर सूजन पैदा करते हैं। ये आँखों में एक तरह की इन्फेक्शन हो सकती है, जिस कारण आँखों के साथ साथ चेहरे पर भी सूजन दिखाई देती है। गंदे बिस्तर, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, धुआं आदि के कारण भी ये संक्रमण हो सकता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जुखाम या फिर साइनस की परेशानी रहती है, उनके चेहरे पर भी सूजन दिखाई देने लगती है। साइनस के कारण हवा की जगह में बलगम जमा होने लगती है, जिससे साइनस बंद होने शुरू हो जाते हैं और चेहरा सूज जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बोल स्काई से।